अब बेटा जैसे हमने शंट मोटरली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, अब सीरीज मोटरली कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो सीरीज मोटरली कैरेक्टरिस्टिक किसमें देखेंगे सर? टॉर्क और आर्मेचर करंट की देखनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, तो टॉर्क और आर्मेचर करंट की बनानी है। तो ये मेरा आर्मेचर करंट हो गया, ये मेरा टॉर्क हो गया, ठीक है। किसके पीछे बनाया सर? सीरीज मोटर के लिए। सीरीज के लिए क्या बताया मैंने भैया, फायर इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, और हमारे जो टॉर्क होगा वो क्या है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए, सो दैट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? क्या होगा इन केस ऑफ सीरीज मोटर, द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरी द एंटायर आर्मेचर करंट, जो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरी द एंटायर आर्मेचर करंट, सो द फ्लक्स प्रोड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो क्या करती है, एंटायर आर्मेचर करंट को कैरी करती है, इससे कारण क्या है, आपका जो फ्लक्स है वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये क्लियर है? अब दिस इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहला देखिए, व्हेन द टॉर्क इज इन स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, टॉर्क स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, तो सबसे पहला काम आ जाता है कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ क्या होगा सर? सर ये ग्राफ आपने देखा होगा, स्क्वायर जब भी होता है ग्राफ इस तरह बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अब देखिएगा टॉर्क क्या है, टॉर्क इन द केस ऑफ द थ्री सीरीज मोटर बेसिकली इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। बेसिकली दिस रिलेशन इज पैराबोलिक, क्या दिख रहा है, इट्स अ रिलेशन ऑफ पैराबोलिक, स्क्वायर है तो पैराबोलिक रिलेशन दिख रहा है इन द नेचर। तो ये यहां से यहां तक का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टी ए इस प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होगा, मैंने मान लिया, ठीक है, इतना ठीक है। अब एंटायर, यदि एंटायर सिस्टम के अंदर समझू, यदि एंटायर मोटर में देखू, तो आई ए इस पासेस थ्रू द सीरीज फील्ड। जब आई ए, देखिए मोटर कहां पर लगी है बेटा, समझ जाता हूं मैं आराम से इसको, ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड है, ठीक है, या वोल्टेज है। अब क्या कर रहे हैं आप, मैंने क्या बोला, इससे करंट जो है वो फील्ड कैरी कर रहा है। जब ये फील्ड कैरी कर रहा है, टोटल करंट कैरी कर रहा है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, तो माय टॉर्क विल बी दिस होगा। अब वो बोल रहा है भैया कि आई ए इज पासेस, दिस आई ए इज पासेस टू द फील्ड, यस और नो, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। सो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल्ड, क्या क्या होता है भैया, सैचुरेशन, क्या है ये, सैचुरेशन, कॉल्ड द सैचुरेशन, ये सैचुरेशन पॉइंट आता है। जब इस पर ये कैरी करेगा तो यहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है। सो इट मे अकर्स द सैचुरेशन का मतलब क्या भैया, सैचुरेशन मीन्स दो द करेंट, क्या है जल्दी बताओ, सैचुरेशन का मतलब क्या था, सैचुरेशन मतलब द करंट थ्रो द वाइंडिंग इंक्रीजेस। अब करंट थ्रो द वाइंडिंग इंक्रीजेस, सैचुरेशन मींस द करंट थ्रो द वाइंडिंग इंक्रीजेस, द फ्लक्स प्रोड्यूस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद हमारा फ्लक्स सीधे कॉन्स्टेंट होता है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, इसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक हमें ये मिलेगा। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे, जब ये फ्लक्स हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो हमारा क्या है, अब क्या होने वाला है कि आफ्टर सैचुरेशन द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक अपना सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचेगा, इट टेक द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट टेक द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन एज द फ्लक्स बिकम कॉन्स्टेंट। अब यहां पर क्या हो गया भैया, यहां पर फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया सर, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मतलब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होने के बाद ये कांस्टेंट होगा, तो यहाँ टॉर्क इस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द आई ए हो जाएगा। जैसे फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो वहाँ हमारा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए हो गया, मतलब हमारा करेक्टरिस्टिक देखो लीनियर मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ तक समझ में आया, तो कॉन्स्टेंट हो गया तो मिलेगा।
जो डिफरेंस है किसके बीच में सर, टीए मतलब सर आर्मेचर टॉर्क, एसएच मतलब आपका शंट टॉर्क बोल सकते हैं, शाफ्ट का टॉर्क बोल सकते हैं, इज लॉस टॉर्क। अब क्या है इसका जो आपका जो होगा निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से देखिएगा इसको ध्यान से, जब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नीचे इस फिगर को देखिए, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये फिगर क्या है, यहाँ से यदि मैं सैचुरेशन पॉइंट देखूँ तो सैचुरेशन पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट है कि नहीं। लेकिन हमारा नो लोड करंट यदि मुझे ये सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोटर, ये हमारा आया, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और यहाँ पर सैचुरेशन मिलने के बाद में ये मेरे को यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज कॉल्ड द आई ए नॉट, और ये सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा, तो ये आपका ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया, दिस इज अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, क्लियर है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और ये जो है आपका यहां से यहां तक का ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये आपका टीएफ फील्ड टॉर्क, ये आपका फील्ड टॉर्क आ गया, यही तो है बस करैक्टरिस्टिक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसी में थोड़ा सा हम आपको ऐड कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, करें कि अलग से बताएं, चलिए अलग से बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें पढ़ना है अपने कौन सी अभी करैक्टरिस्टिक पढ़ी, टॉर्क और आर्मेचर करंट, अब हमने स्पीड और आर्मेचर करंट। बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव, भूल ना जाओ इसलिए मैंने लिख दिया। तो स्पीड क्या है भैया, सीरीज मोटर की इससे गिवन होती है, लेकिन हमारा ई बी क्या था, याद करो सब लोग याद करो जल्दी, सीरीज मोटर, मैं यहाँ सीरीज मोटर बना देता हूँ, ध्यान रखना भैया, सीरीज मोटर हो गया ये मेरा सीरीज मोटर हो गया, जैसे कि तुम भूलो नहीं भैया, मैं भी नहीं भूलूँ, ये मेरा आर एस ई हो गया, ये आर ए हो गया, ये आई ए, ये ई बी, करंट हमारा यहाँ से आई एल, आई एस ई, दिस इज आई ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि मैं ई बी की इक्वेशन आपने देखा था तो क्या निकला था, वी माइनस आई ए, वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, यही था, क्लियर है। अब ये जो था इक्वेशन वो कहाँ पुट करना था सर, यहाँ करना था, तो ये वी माइनस आई ए आर ए आई आर एस ई अपॉन फाइव, यहाँ तक समझ में आया, कुछ किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया ना, इसकी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया बस, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ, किसके बीच में निकाला मैंने करंट, स्पीड और आर्मेचर करंट निकालना है। व्हेन द आर्मेचर करंट इज लो, अब देखो स्पीड और आर्मेचर करंट मतलब रिलेशन किसके बीच निकालना है, स्पीड और आर्मेचर करंट, यदि आर्मेचर करंट कम होगा क्या होगा, ये कम होगा तो क्या होगा, वो सर वोल्टेज ड्रॉप, याद आया आइए किसके संग इन्वॉल्व है सर, आर ए के साथ, देन द वोल्टेज ड्रॉप किसका सर, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है कौन सा सर, ये जो टर्म है वोल्टेज ड्रॉप का, ओके समझ में आया, ये कम होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप कम होगा कि नहीं होगा, मैं बोलूं ये बहुत नेग्लिजिबल है तो हमारा ये टर्म नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यदि ये नेग्लिजिबल है ये बहुत कम है तो हमारा जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, वन अपॉन फाइव कह सकता हूं मैं। और स्टार्टिंग में तो भैया देख लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इफ माय आई ए इज लो देन दिस टर्म विल बी वेरी लो और नेग्लिजिबल, सो नाउ द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फाइव, यस और नो। अब ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली का विद क्रमानुपाती, इसको हिंदी में बोलते हो आप, तो ये हमारा हो गया भैया, ये तो हो गया आई ए और ये क्या है आपका स्पीड, आई ए और स्पीड, स्पीड और आई ए के बीच में निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पर ये आपका है इस तरह आपका बन जाएगा, क्लियर है, क्योंकि फाइ किसके इक्वल होता है, आई ए के इक्वल होता है, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, सीरीज में, सीरीज में फाइ इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो मैंने क्या लिखा सर, मैंने ये लिख दिया, कोई गलत लिख दिया क्या, नहीं लिख दिया,
तो हमारा जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आई ए के, ये फिगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हो गया काम, अब क्या दिक्कत है। अब दूसरी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें, समझ में आया कि नहीं आया आपको, आ गया ना, सिंपल ही तो है, क्या है क्या इससे आ गया। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सर स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे, तो कैसे बताओगे। हमेशा याद रखो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी पढ़ी, पहली पढ़ी टॉर्क करंट, फिर स्पीड और करंट, ठीक है, आर्मेचर करंट दोनों के, टॉर्क स्पीड टॉर्क करंट पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा था सर, ये लिखा था स्पीड और करंट पढ़ा था, तो कंक्लूजन सर ये निकला था, यही निकला था ना, यही निकला था। तो इन दोनों से रिलेशन निकालेंगे क्या, इन दोनों के बीच में निकाल दो ना भैया, क्या रचा है इसमें, एन और टी के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे। देखो भैया एन, देखो टी है, टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, तो आई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी, लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं सर, और आई ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, वन अपॉन आई ए, ये आपका वन अपॉन एन, ठीक है ना। तो इन दोनों से रिलेशन क्या निकलेगा सर, इनसे रिलेशन निकलेगा सर, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना, जो स्पीड है इस, वो मेरा ये टॉर्क के इक्वल होगा, अंडर रूट टी, दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या सर। वैल्यू तो है, इनवर्सली है, सेम करेक्टरिस्टिक आ रही है, बस यहां पर चेंज आई ए की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क, खत्म, यही तो है सिंपल, ये दो फॉर्मूले लिखने हैं। इन दोनों से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी, वन अपॉन टी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही चीज जो चीज अभी मैंने समझाई थी, यहां पर बस आई ए चेंज कर देना कि टी आ गया, या भी करेक्टरिस्टिक आ गई, बताओ बहुत सिंपल है कि नहीं। अब डीसी सीरीज मोटर बेसिकली बेटा इट्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर, इसका इनिशियली टॉर्क क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, वेरिएबल स्पीड मोटर है ऑलरेडी, इट्स कॉल्ड एज अ वेरिएबल स्पीड मोटर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पीड, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पीड एज द लोड चेंजेस, जैसे लोड चेंज होता जाएगा इसकी स्पीड ऑटोमेटिक वेरी करती जाएगी, क्लियर है, किस समझ में आया बात। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, बस दो मिनट रुकिएगा, फटाफट इसको साफ कर लेते हैं और फिर अब मिलते हैं दो मिनट में, है ना, छोटी सी चीज़ इस सीरीज मोटर के लिए,